नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्नो पहाड़ में। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग बिना किसी बकचोदी के। सूर्य की प्यारी प्यारी किरणें जो अभी पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है सूर्य, वहां से उगता हुआ ऊपर को, और उसकी किरणें आसमान में बिखेरती हुई नीचे अंधेरा होता हुआ। सुबह के 6 बजे हैं और ये धूप निकल लिया अभी। तो दोस्तों, ये रहा सामने कुछ बेहतरीन नजारा जहां से सूर्योदय हुआ है। और ये अंधेरा सा हो रहा है सामने, क्योंकि वहां अभी धूप नहीं निकली है इसलिए अंधेरा सा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक करने, और वहीं से मुंह हाथ धो के भी आऊंगा। वहाँ नीचे हमारा धारा है जहाँ पानी निकलता है, वहाँ पानी खूब आता है, तो वहीं से मुंह हाथ धो के भी आऊंगा। चलो मिलते हैं और चलता हूँ मैं मॉर्निंग वॉक। अरे रहा दोस्तों रास्ता जहाँ से मैं जाऊंगा, और ये पुल है वो रहा पीछे मेरा गांव जहाँ से मैं आया। दोस्तों आजकल जो है मॉर्निंग वॉक करनी जरूरी है, क्योंकि उससे जो है शरीर थोड़ा सही रहता है, सुस्ताई नहीं रहती है शरीर में, इसलिए मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए सुबह सुबह। और अभी मैं जा रहा हूँ आगे मॉर्निंग वॉक करने। वैसे भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, योगा करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। दोस्तों ये खेत भी हमारा है जो अब बंजर हो चुका है। इस खेत पे मैंने आज से 10 साल पहले हल लगा रखा है और धान बो रखी थी इस पे उस समय, और अब ये बंजर हो चुका है। ये हमारा पीपल का पेड़ जिसे मैं घर से दिखा रहा था आप लोगों को। तो ये रहा दोस्तों नीचे पीपल का पेड़, वहाँ पे है माँ दक्षिणा काली का मंदिर, और ये है हाईवे रोड गौरीकुंड रुद्रप्रयाग, और ये है भीरी मार्केट, और ये मंदाकिनी रिवर है, और सामने जो ऊंचा सा पर्वत दिखाई दे रहा है वो कार्तिक स्वामी का पर्वत है, और ये इधर सामने बिरों बस्ती है, और ये इधर का हरा भरा जंगल। दोस्तों ये है मोल का पेड़ जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, और ये रहा वो। तो दोस्तों चलते हैं, और रास्ते में पड़ता है धारा, वहाँ से मुँह हाथ धो के ब्रुश व्रुश करके निकलते हैं घर को। मॉर्निंग वॉक हो गई काफ़ी, और लिए चलता हूँ मैं आपको धारे में, वहाँ का दृश्य दिखाता हूँ, और वहाँ से निकलते हैं फिर घर को। तो चले मेरे साथ, बने रहिए इसी तरह, चलो फिर। तो दोस्तों ये रहा मेरा गांव जो मैं आते समय दिखा रहा हूँ, और ये मेरे गांव जाने का रास्ता जो भीरी से आता है, और ये सामने मेरा गांव है, और कुछ लोग सामने बस चुके हैं अब, और ये मेरे गांव। दोस्तों मिल गया मिल गया मिल गया किरमौर का पेड़ जिसे मैं काफी देर से ढूंढ रहा था। पेड़ वैसे मुझे काफी दिखाई दिए, लेकिन उनपे किरमौर या तो बारिश की वजह से झड़ चुके हैं, खाली है उसे, सारे पेड़ मुझे खाली मिले, यही एक पेड़ मात्र मिला है मुझे जिसपे बहुत सारी किरमौड़ है। ये रही किरमौड़, और ये रही किरमौड़। तो चलो मेरे साथ उठाइए किरमौड़ के मजे, ले आया हूं मैं आपको सीधे किरमौड़ के पेड़ के पास, चलो खाते हैं इसको कैसी लगती है। तो दोस्तों ये रही वो किरमौड़ जिसे खा के देखते हैं मजा आता है कि नहीं आता है, एकदम बढ़िया हो रही है, आप भी आ जाओ। तो दोस्तों आपको ले चलता हूँ मैं अपने धारों में, सीधे मेरे साथ चलिए हमारे धारे में, और आइए मुंह हाथ धोने। ये रहे हमारे गांव के धारे, एक धारा तो सूख चुका है लेकिन एक में पानी है, बरसात में दोनों धारों में निकलेगा बहुत ज्यादा पानी। और ये कुदरत भाई धो रहा मुंह हाथ, इसे मैंने काफी ढूंढा, ये जाके यहाँ धारे में मिला है मुझे अब। दोस्तों मेरे साथ मुंह हाथ धोने, आप भी आ जाओ।
जैसा कि दोस्तों मैंने मुंह हाथ धो लिया है और ये रहा हमारा पीछे शिवालय और ये हमारे धारा है और हमने मुंह हाथ धो लिया है, चलते हैं अब आगे। और ये गांव के चाचा जी हैं, ये यहाँ पे रूढ़ी तोड़ते हुए। जैसा कि दोस्तों मैं आ चुका हूँ धारे से मुंह हाथ धो के, मॉर्निंग वॉक करके, और अभी पहुँच चुका हूँ मैं घर पे और मम्मी ने इसे नहला लिया है। चलते हैं ऊपर छत में, रोटी सोटी खाते हैं अब। और ये रही हमारी छोटी सी प्यारी सी भैंस, छोटी वाली जो गौशाले में है उसका बच्चा है ये, और इसे अभी नहला दिया है मम्मी ने, अब इसे अंदर उकरेंगे। और ये सुरेश के साथ खेलता हुआ। तो दोस्तों ये रही ऊपर जाने की सीढ़ी छत में, और यहाँ पे बाल्टी रखी हुई, और ये रहा हमारा बाथरूम। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ घर पे। कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूल फेंक के मारो, चाहे प्यार की पप्पी मारो, वो सब्सक्राइब होना चाहिए, बस कुछ नहीं पता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्नो पहाड़।